हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.5। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1/4। सबसे पहले हम x की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और डिजिट्स को राइट हैंड साइड में। सो x/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो प्लस का x/3 यहाँ आके माइनस का x/3 हो जाएगा। वन बाय फोर और माइनस का 1/5 राइट हैंड जाके प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है एंड 3 × x इक्वल्स टू 3x। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है 2 × x इक्वल्स टू 2x। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है 5 × 1 इक्वल्स टू 5। और 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स में आता है, सो 4 × 1 इक्वल्स टू 4। 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेंगे, सो x अपॉन 6। 5 × 4 = 9/20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 × x इक्वल्स टू 20x एंड 9 × 6 = 54। सो x इक्वल्स टू 54/20। 2 × 1 = 2, 0 का 0। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 27/10। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सो 27/10 × 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 27/10 × 3 प्लस 1/4। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 27/20 माइनस 1/5, 27/30 प्लस 1/4। 20 और 5 का एलसीएम आएगा 20। 20 के टेबल में 20 1 टाइम्स में आता है, 1 × 27 = 27। 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स में आता है, सो 4 × 1 = 4। 27 और 30 को हम सिंप्लेक्स फॉर्म में बना लेते हैं, सो 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 0 का 0। 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20। 10 के टेबल में 20 2 टाइम्स में आता है, 2 × 9 = 18। 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है, 5 × 1 = 5। देन 27 में से 4 को डिडक्ट करेंगे तो आएगा 23/20 एंड 18 में 5 को प्लस करेंगे तो 23/20। सो LHS इक्वल्स टू RHS, hence it is correct.
क्वेश्चन नंबर टू, एन अपॉन टू माइनस थ्री एन बाय फोर प्लस फाइव एन बाय सिक्स इक्वल्स टू 21। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे 2, 4, 6 का, तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आएगा 12। 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में आता है, सो 6 इंटू एन। 4 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, सो 4 इंटू 3n। 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में आता है, सो 2 इंटू 5n इक्वल्स टू 21। 6 का n में इंटू 6n माइनस 4 3 जा 12n, 2 5 जा 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। नाउ 6 और 10 16, 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, 16 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। नाउ नीचे 1 लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7n इंटू 1 इक्वल्स टू 21 इंटू 12, सो n इक्वल्स टू 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन जो 7, 7 थ्री जो 21। तो हमारी n की वैल्यू जो होगी वो होगी n इक्वल्स टू 3 इंटू 12, 12 थ्री जो कितना होता है 36। सो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 36। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन थी n बाय 2 माइनस 3n बाय 4 प्लस 5n बाय 6 इक्वल्स टू 21। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, n हमारा कितना आया था 36, सो 36 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 36 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 36 अपॉन 6 इक्वल्स टू 21। अब हम इसको यहीं पे सिंप्लेक्स फॉर्म में कर लेते हैं, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, 4 वन जा 4, 4 नाइन जा 36, 6 वन जा 6, 6 सिक्स जा 36। सो हेयर 18 माइनस 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 प्लस 5 सिक्स जा 30 इक्वल्स टू 21। 18 और 30 48 हो जाएगा, 48 में से 27 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएंगे इक्वल्स टू 21। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल्स टू 17 बाय 6 माइनस 5x माइनस अपॉन 2 माइनस 5x बाय 2। यहाँ पे हम xx की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं और डिजिट्स को राइट हैंड साइड में, सो x माइनस 8x अपॉन 3, माइनस का 5x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, 17 बाय 6 प्लस का 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। नाउ x के नीचे 1 लेके हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6,
वन के टेबल में सिक्स सिक्स टाइम्स में आता है, सिक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू सिक्स एक्स, माइनस थ्री के टेबल में सिक्स टू टाइम्स में आता है, सो टू इंटू एट माइनस सिक्सटीन एक्स, प्लस टू के टेबल में सिक्स थ्री टाइम्स में आता है, सो थ्री इंटू फाइव इक्वल्स टू फिफ्टीन एक्स। यहाँ भी हम सेम करेंगे, सेवन के नीचे वन लेके एलसीएम ले लेंगे, सिक्स और वन का एलसीएम आएगा सिक्स, सिक्स के टेबल में सिक्स वन टाइम्स में आता है, वन इंटू सेवनटीन इक्वल्स टू सेवनटीन, और वन के टेबल में सिक्स सिक्स टाइम्स में आता है, सो सिक्स इंटू सेवन, सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, सिक्स एक्स और फिफ्टीन एक्स ट्वेंटी वन एक्स हो जाएगा, ट्वेंटी वन एक्स में से सिक्सटीन एक्स को माइनस करेंगे तो फाइव एक्स बचेंगे अपॉन सिक्स, और सेवनटीन में से फोर्टी टू को माइनस करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव बचेंगे अपॉन सिक्स। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो फाइव एक्स इंटू सिक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स अपॉन फाइव इंटू सिक्स, सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स वन ज़ा सिक्स, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी माइनस फाइव। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन थी x प्लस सेवन माइनस एट एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू सेवनटीन बाय सिक्स माइनस फाइव एक्स बाय टू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हमारा x था माइनस फाइव, सो माइनस फाइव प्लस सेवन माइनस एट इंटू माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल्स टू सेवनटीन बाय सिक्स माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव अपॉन टू। माइनस फाइव प्लस सेवन माइनस माइनस प्लस एट फाइव ज़ा फोर्टी अपॉन थ्री इक्वल्स टू सेवनटीन बाय सिक्स माइनस माइनस प्लस फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू। माइनस फाइव में से प्लस सेवन जाएंगे तो टू बचेंगे, प्लस फोर्टी अपॉन थ्री इक्वल्स टू सेवनटीन अपॉन सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बाय टू। नाउ हम एलसीएम ले लेंगे, थ्री और वन का एलसीएम आएगा थ्री, वन के टेबल में थ्री थ्री टाइम्स में आएगा, सो थ्री इंटू टू इक्वल्स टू सिक्स, प्लस थ्री के टेबल में थ्री वन टाइम्स में आएगा, सो वन इंटू फोर्टी इक्वल्स टू फोर्टी। सिक्स और टू का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा सिक्स, सिक्स के टेबल में सिक्स वन टाइम्स में आता है, वन इंटू सेवनटीन इक्वल्स टू सेवनटीन, प्लस टू के टेबल में सिक्स थ्री टाइम्स में आता है, सो थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव। नाउ सिक्स और फोर्टी इक्वल्स टू फोर्टी सिक्स अपॉन थ्री, सेवेंटी फाइव में सेवनटीन को प्लस करेंगे तो आएगा नाइन्टी टू अपॉन सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, सो फोर्टी सिक्स बाय थ्री इक्वल्स टू फोर्टी सिक्स बाय थ्री, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स माइनस फाइव
अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन 5। सो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन 5। सो 5 एक्स माइनस 5 3 एक्स माइनस 3। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 5 का x में इंटू 5x, 5 का 5 में इंटू 25, 3 का x में इंटू 3x और 3 का 3 में इंटू 9। अब हम x की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और डिजिट्स राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो 5x प्लस का 3x लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 3x हो जाएगा एंड माइनस 9 माइनस का 25 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेंगे, देन माइनस 9 प्लस 25 इक्वल्स टू 16। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16। सो x इक्वल्स टू 8। अब हम चेक करते हैं, हमारी इक्वेशन थी x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 अपॉन 3, 8 माइनस 3 अपॉन 5। सो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। सो 3 बाय 3 और 8 में से 3 जाएंगे तो 5। सो 5 बाय 5, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5। सो 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 बाय 3 माइनस टी। सो ये जो माइनस का टी है राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, माइनस का टी लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का टी हो जाएगा इक्वल्स टू 2 बाय 3। अब हम टी के नीचे 1 लिख लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। 4, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 12। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, सो 3 ब्रैकेट 3t माइनस 2 माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, सो 4 2t प्लस 3 प्लस 1 के टेबल में 12 12 टाइम्स में आता है, सो 12 इंटू टी इक्वल्स टू 2 बाय 3। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 का 3 में इंटू आ जाएगा 90, 3 टू ज़ा 6 माइनस 4 टू ज़ा 80 माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 इंटू टी इक्वल्स टू 12t अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 बाय 3। अब हम देखते हैं टी की वैल्यू कौन सी है, 90, 80 एंड 12t। 12 और 9 इक्वल्स टू 21, 21 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13। सो 13t
माइनस माइनस सिक्स और माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू माइनस एटीन अपॉन ट्वेल्व इक्वल्स टू टू बाय थ्री। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो थ्री थर्टीन टी माइनस एटीन एंड टू इंटू ट्वेल्व थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन टी माइनस एटीन इंटू थ्री इक्वल्स टू फिफ्टी फोर एंड ट्वेल्व इंटू टू इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर। टी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं और डिजिट को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, सो ट्वेंटी फोर माइनस का फिफ्टी फोर वहाँ जाके प्लस का फिफ्टी फोर हो जाएगा, थर्टी नाइनटी ट्वेंटी फोर और फिफ्टी फोर सेवेंटी एट हो जाएंगे। देन टी इक्वल्स टू सेवेंटी एट अपॉन थर्टी नाइन, थर्टी नाइन वन ज़ा थर्टी नाइन, थर्टी नाइन टू ज़ा सेवेंटी एट, तो जो टी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी टू। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी थ्री टी माइनस टू अपॉन फोर माइनस टू टी प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल्स टू टू बाय थ्री माइनस टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, सो थ्री इंटू टू माइनस टू अपॉन फोर माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल्स टू टू बाय थ्री माइनस टू, थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस टू अपॉन फोर माइनस टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे वन लेके हम एलसीएम ले लेते हैं, थ्री और वन का एलसीएम जो होगा वो आएगा थ्री, थ्री के टेबल में थ्री वन टाइम्स में आता है, सो वन इंटू टू इक्वल्स टू टू, माइनस वन के टेबल में थ्री थ्री टाइम्स में आता है, सो थ्री इंटू टू इक्वल्स टू सिक्स। नाउ सिक्स में से टू जाएंगे तो फोर बचेंगे अपॉन फोर माइनस फोर और थ्री कितने होंगे सेवन अपॉन थ्री, टू में से सिक्स जाएंगे तो माइनस फोर बाय थ्री। नाउ फोर वन ज़ा फोर फोर वन ज़ा फोर, सो वन बाय वन माइनस सेवन बाय थ्री इक्वल्स टू माइनस फोर बाय थ्री, थ्री और वन का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा थ्री, वन के टेबल में थ्री थ्री टाइम्स में आता है, सो थ्री इंटू वन इक्वल्स टू थ्री और थ्री के टेबल में थ्री वन टाइम्स में आता है, सो वन इंटू सेवन इक्वल्स टू सेवन इक्वल्स टू माइनस फोर बाय थ्री। नाउ थ्री में से माइनस सेवन जाएंगे तो माइनस फोर बाय थ्री बचेंगे और यहाँ पे भी माइनस फोर बाय थ्री, तो हमारा जो एल एच एस होगा वो आर एच एस के इक्वल आ जाएगा, हैंस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एम माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू वन माइनस एम माइनस टू अपॉन थ्री। नाउ हम एम की वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, एम माइनस वन अपॉन टू माइनस का एम माइनस टू अपॉन थ्री राइट हैंड साइड में आके लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो प्लस एम माइनस टू अपॉन थ्री। इक्वल्स टू वन। अब हम एम के नीचे वन ले लेते हैं और टू और थ्री का
एलसीएम ले लेते हैं, सो 1, 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो आएगा 6। 1 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, सो 6 × m = 6m। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, सो 3 (m-1) प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, सो 2 (m-2) = 1। नाउ 6m (3m-3m-3m) + 3 × 2m (2m) + -2 × 2m (+-2)2 = 4 / 6 = 1। अब हम m की वैल्यू को एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिजिट्स को एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो 6m + 2m = 8m और 8m में से 3m को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 5m -+3 − 4 = -1 / 6 = 1। नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 5m - 1 का 1 में इनटू आ जाएगा 5m - 1 और 6 का 1 में इनटू = 6। 5m को हम यहीं रहने देते हैं, 6 - 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, सो -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, 5m 6 + 1 = 7, तो m की वैल्यू हो जाएगी 7/5। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन थी m - m-1/2 = 1 - m-2/3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू थी हमारी 7/5 माइनस 7/5 - 1/2 = 1 - 7/5 - 2/3। नाउ 7/5 - 1 के नीचे हम 1 ले लेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 5। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है, सो 1 × 7 = 7 माइनस 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 × 1 = 5/2 = 1। माइनस 2 के नीचे 1 लेके हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है, सो 1 × 7 = 7 माइनस 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, सो 5 × 2 = 10/3। नाउ 7/5 - 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2/5 और ये नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो × 2 = 1 - 7 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 3/5 और नीचे वाला 3 हम यहाँ ले आएंगे। नाउ 2 × 2 = 2 3 × 3 = 3 = 7/5 - 1/5 = 1 - - + हो जाएंगे, सो +1/5। डिनोमिनेटर है 5 तो हम 5 को ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 7 - 1 = यहाँ पे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 5, 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, सो 5 × 1 = 5
और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है, सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। 7 में से 1 जाएंगे तो 6 बचेंगे, सो 6 बाय 5 और 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज 3t-3 इक्वल्स टू 5, 2t प्लस 1। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं मींस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 3 का t में इंटू हो जाएगा 3t और 3 का 3 में इंटू हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 5 टू जा 10t एंड 5 वन जा 5। नाउ t की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं और डिजिट्स को एक तरफ कर लेते हैं। 3t प्लस का 10t लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 10t हो जाएगा 5 और माइनस का 9 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 9 हो जाएगा। देन 3t और 10t को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा माइनस 70 और 5 और 9 हो जाएंगे 14। t को हम यहीं रख देते हैं, सो 14 डिवाइडेड माइनस 7, 7 वन जो 7, 7 टू जो 14, तो जो हमारी t की वैल्यू होगी वो आएगी माइनस 2। नाउ हम चेक करते हैं, इक्वेशन है 3t-3 इक्वल्स टू 5, 2t प्लस 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, सो 3, t की वैल्यू थी -2, -3 को हम एज इट इज लिख देते हैं 5, 2, t की वैल्यू है -2 प्लस 1। नाउ 3 -2 -3 इक्वल्स टू -5, सो n टू -5, 5, 2 टू जो 4 प्लस 1, 3 इंटू माइनस 5 इक्वल्स टू -15 इक्वल्स टू 5, -4 प्लस 1 इक्वल्स टू -3, सो -15 इक्वल्स टू 5, 3 जा 15, -15, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 15y-4, -2y-9, +5y+6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसमें भी हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। 15 इंटू वाई इक्वल्स टू 15y, 15 इंटू 4, 15 4 जा 60, -2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2y, -+ 2 9 जा 18, प्लस 5 इंटू वाई 5y, +++ 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। 15y और 5y कितने हो जाएंगे 20y, और 20y में से हम 2y को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18y। देन 30 और 18 हो जाएंगे 48, 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 12 इक्वल्स टू
जीरो, 18y, 12 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, 18y इक्वल्स टू 12, नाउ y की वैल्यू आ जाएगी 12/18, अब हम इसको कट कर लेते हैं, 6 2 12, 6 3 18, तो जो हमारी y की वैल्यू होगी वो होगी 2/3, नाउ चेक, इक्वेशन थी हमारी 15, y-4 - 2 y-9 + 5 y + 6 = 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, 15, y की वैल्यू थी 2/3 -4 - 2, y की वैल्यू है 2/3 -9 + 5, y की वैल्यू है 2/3 + 6 = 0, नाउ सॉल्व कर लेते हैं, 15, 4 के नीचे 1 लगा के 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, 1 × 2 = 2, 1 के टेबल में 3 3 टाइम्स में आता है, सो 3 × 4 = 12, माइनस 2 को हम एज इट इज रहने देते हैं, देन 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा आएगा 3, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, सो 1 × 2 = 2, माइनस 1 के टेबल में 3 3 टाइम्स में आता है, सो 3 × 9 = 27, प्लस 5, 6 के नीचे 1 ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, सो 1 × 2 = 2, प्लस 1 के टेबल में 3 3 टाइम्स में आता है, सो 3 × 6 = 18 = 0, नाउ 15 × 12 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे -10/3, -2, 27 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे -25/3, प्लस 5 18 + 2 = 20/3 = 0, 15 × -10 = -150/3, माइनस प्लस हो जाएंगे, 25 × 2 = 50/3, प्लस 5 2 10, 0 का 0 / 3 = 0, नाउ 3 1 3 3 5 15, 0 का 0, सो -50 + इन दोनों का एलसीएम 3 ही रहेगा, 50 + 100 = 0, −50 + 150/3 = 0, 3 1 3 3 5 15, 0 का 0, so −50 + 50 = 0.
माइनस 50 से प्लस 50 कैंसिल हो जाएगा, सो 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस इट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, 5z minus 7 minus 2, 9z minus 11 equals to 4, 8z minus 13 माइनस 17. सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. 3 5 15z, 3 7 21, माइनस 2 9 18z, माइनस माइनस प्लस 11 2 22 इक्वल्स टू 8 4 32z, माइनस 13 4 52, माइनस 17. नाउ 15z में से माइनस 18z जाएंगे तो माइनस 3z बचेंगे, और 22 में से 21 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, इक्वल्स टू 32z. माइनस 52 माइनस 17 हो जाएंगे माइनस 69. देन माइनस 3z, 32z को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस 32z हो जाएगा. माइनस 69 प्लस का 1 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 1 हो जाएगा. माइनस 3z और माइनस 32z हो जाएंगे माइनस 35z, और माइनस 69 माइनस 1 हो जाएंगे माइनस 70. माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, z इक्वल्स टू आ जाएगा 70 अपॉन 35. 35 1 35 35 2 70, तो जो हमारी z की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2. नाउ चेक करते हैं, हमारी इक्वेशन थी 3 5z minus 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4, 8z माइनस 13 माइनस 17. पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, 3 5, z की वैल्यू थी 2, तो हम 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस 7, देन माइनस 2, 9 into 2 minus 11, 4 8 into 2 minus 13, then minus 17, 3 5 2 are 10 minus 7 minus 2 9 2 are 18 minus 11 equals to 4 8 2 are 16 minus 13 minus 17. नाउ 3 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, माइनस 18 में से 11 जाएंगे तो 7 बचेंगे, इक्वल्स टू 4 into 16 में से 13 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और माइनस 17. 3 3 are 9 और 2 7 are 14, 4 3 are 12 माइनस 17, 9 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे माइनस 5, और 12 में से माइनस 17 जाएंगे तो बचेंगे माइनस 5. देन LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 ब्रैकेट 4F माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05
एफ माइनस नाइन। नाउ ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 0.25 इंटू 4 आ जाएगा 1.00f माइनस 0.25 इंटू 3 आ जाएगा माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f हमारा हो जाएगा 0.50f और 0.05 इंटू माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 0.45। नाउ 1.00f राइट हैंड साइड वाले f को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, सो प्लस का 0.50 माइनस का 0.50f हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 0.45। माइनस का 0.75 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 0.75 हो जाएगा इक्वल्स टू, वन में से 0.50 जाएंगे तो बचेंगे 0.50f इक्वल्स टू माइनस 0.45 प्लस 0.75 हो जाएंगे प्लस 0.3। नाउ f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 0.3 अपॉन 0.50 तो जो हमारी f की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 0.6। नाउ चेक करते हैं, हमारी इक्वेशन थी 0.25 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f 0.25 4 इंटू 0.6 माइनस 3 0.05 10 इंटू 0.6 माइनस 9। नाउ 0.25 4 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 2.4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 6.0 माइनस 9 0.25 इंटू 2.4 में से माइनस 3 जाएगा तो बचेगा माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.05 और 6.0 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे माइनस 3। नाउ 0.25 का 0.6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.25 को 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.150 इक्वल्स टू, और 0.05 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.150। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।